इन दवाइयों का प्रयोग ना करें। जब हमें पता है कि ये दवाई कहीं पे भी कारगर नहीं हो रही और साइड इफेक्ट्स दे सकती है, तो ऐसी दवाई यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश सी द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हिंदी में ये दर्शकों के अनुरोध पे बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं डॉक्टर्स टॉक के इस इम्पोर्टेंट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको करवाएंगे डॉक्टर से सीधी बात, ताकि वो आपको पूरी जानकारी दे सके कोविड और उससे रिलेटेड सारे इश्यूज के बारे में। तो कोविड आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारे साथ इसका जवाब देने और इसका निर्धारण करने के लिए, निवारण करने के लिए हैं डॉक्टर आशुतोष गर्ग। डॉक्टर आशुतोष गर्ग दिल्ली में UCMS से MBBS करके अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, DNB कर रहे हैं फैमिली मेडिसिन में। तो डॉक्टर आशुतोष गर्ग, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर आशुतोष, देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जो होम आइसोलेशन पे, यानी अपने घर में बैठ के कोविड का इलाज कर रहे हैं, तो क्या हम आज उनको बता सकते हैं कि वो कोविड के इलाज में जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हैं, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, मास्क और स्टीम का प्रयोग, और ये सब कैसे कर सकते हैं, हैंड हाइजीन कैसे कर सकते हैं, सैनिटाइजर कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसको बोलते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयां जिसको खा के आपको बीमारी से अपने आप को बचा रहे हैं, जिसको प्रोफिलेक्सिस भी कहते हैं, क्या ऐसी दवाइयां हमें खानी चाहिए। तो हम बारी बारी चलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप सबको बताएं कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है और पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है सही तरीके से। ओके, तो ये एक एग्जांपल है पल्स ऑक्सीमीटर का, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर में मोटा मोटा आपको दो चीजों के बारे में पता लगता है। एक है आप पल्स रेट, यानी कि आपका हार्ट कितनी तेजी से धड़क रहा है, और दूसरा आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है। जनरली हमारे ब्लड में एक नॉर्मल आदमी में ऑक्सीजन की मात्रा 94% से ऊपर ही रहती है। थोड़ी कभी कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर अगर थोड़ी देर के लिए रख के देखा जाए तो 94 से ऊपर ही रहेगी। लेकिन देखा गया है कि इस बीमारी में, कोविड की बीमारी में, आपके लंग्स खराब हो जाते हैं, तो अगर आप ऑक्सीजन बाहर से ले भी रहे हैं तो आपके ब्लड में नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, डिप हो जाएगी, 94% से कम आ जाएगी। तब प्रॉब्लम की बात है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इससे पहले कि हम जाएं कि हॉस्पिटलाइजेशन की क्या जरूरत है, आईसीयू की क्या जरूरत है, पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज करते हैं, आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ में नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा कोई खास प्रिकॉशन नहीं है। कोशिश करें कि जब ले रहे हैं तो आराम से बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए रेस्ट करें, तभी उसकी रीडिंग लें, क्योंकि वो आपकी स्टेबल रीडिंग होगी। आप अगर चलते फिरते लेंगे, भाग के लेंगे, तो वो रीडिंग चेंज होती रहेगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि आपकी एक्चुअल रीडिंग क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर में जनरली ऐसे एक लीवर होगा, उसको अपनी किसी भी उंगली पे लगाइए, चाहे हाथ की उंगली हो, चाहे पैर की हो, चाहे आपका कान हो, कहीं पे भी लगा सकते हैं उसको। तो जनरली लोग उंगली पे लगाते हैं, इससे रीडिंग पे कोई खास फर्क नहीं आएगा। आपने उंगली पे लगाया, जनरली सब जगह, सब मशीन्स में कोई ना कोई बटन होगा जो आपको प्रेस करना है। थोड़ी देर रुकिए, वो अपनी रीडिंग लेता है, मशीन अपना काम करती है, और आपकी ये रीडिंग आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 97, जो सबसे जी 97 है वो SpO2 है, और यहाँ पे ये पल्स रेट है जी 90 90। सो 97% इज फाइन। अब फॉर एग्जांपल आपके घर में 5-6 लोग रह रहे हैं, सब लोग अपना पल्स ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन SpO2 देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका 96 है, आपके फादर का 98% है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कम है, उनका ज्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एज लॉन्ग एज 94% से ऊपर मेंटेन हो रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक। अब COVID-19 को ट्रीट करने के लिए, हमने समझने के लिए, ताकि हम डिसाइड कर सके कि किन को घर पे रहना है, किन को हॉस्पिटल जाना है, किन को ICU की जरूरत है, तो उसको 3 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड यानी कि घर में काम चल सकता है, मॉडरेट यानी कि आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है ताकि इंजेक्टेबल मेडिकेशन दी जा सके, और सीवियर यानी कि ICU। तो जब आपका 94% से कम होने लग जाती है तो चांस है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। जब आपका 90% से कम होने लग जाता है तो जरूरत हो सकती है कि आपको ICU की रिक्वायरमेंट है।
ऐसा जरूरी नहीं है, ये और भी चीजें देखता है डॉक्टर आपके बारे में, आपकी एज क्या है, आपको अन्य बीमारी क्या है, आप कितने परेशानी में हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। बट मोटा मोटा 94% से कम है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, और 90% से अगर कम है तो आपको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या हम सीधा सीधा डॉक्टर साहब जाएं, अगर हमारा 94 से कम हो जाए तो सीधा क्या हम कहीं ऑक्सीजन लेने चले जाएं कि पहले अपने डॉक्टर को संपर्क करें टेली कंसल्टेशन से या फोन पे या फिर कहीं पे जाके? क्या हमें सीधा पहले ऑक्सीजन को ढूंढना चाहिए या पहले डॉक्टर से फोन करके पूछना चाहिए कि अब क्या करें? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और आप अचानक से आपने देखा कि 92% आ रहा है, तो 2 मिनट के लिए पहले आराम कीजिए, रीडिंग को वापस लीजिए, हो सके तो एक और बार लीजिए। अगर तब भी वो कम रहती है तो सबसे पहले किसी भी डॉक्टर को, हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप किसी डॉक्टर को पर्सनली नहीं जानते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जानते हैं लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं, बिजी हैं, तो जनरली जो भी आपके आसपास अस्पताल होते हैं, आप अगर गूगल पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, तो उनकी इमरजेंसीज के नंबर अवेलेबल होते हैं, आप वो नंबर कॉन्टेक्ट करें। जनरली इमरजेंसीज में नंबर उठा लिए जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आपका फोन नहीं उठाएगा, और ऐसी सर्विसेज हमेशा अवेलेबल होती हैं। वो आपको ये सलाह जरूर दे सकते हैं कि आप घर पे ही रहिए या फिर अस्पताल में आइए, तो प्लीज कॉल कीजिए उस सिचुएशन में। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने हमें बताया पल्स ऑक्सीमीटर का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसका ठीक तरह से प्रयोग करना है। अब एक बहुत जरूरी चीज है जिसको कहते हैं थर्मोमीटर। डॉक्टर साहब, थर्मोमीटर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत है कि आप हमें सब दर्शकों को बताएं कि थर्मोमीटर को कैसे सही प्रयोग कर सकते हैं और उसमें से कैसे सही रीडिंग ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब प्लीज थर्मोमीटर के बारे में बताइए। देखिए, थर्मोमीटर मार्केट में 2 तरह के अवेलेबल हैं। एक होता है मरकरी थर्मोमीटर, जिसमें कि कोई सेल नहीं डालना पड़ता, मगर प्रॉब्लम यह है कि उसमें मरकरी होता है, तो मरकरी अगर बाय चांस आपके सिस्टम में चला गया तो आपको बीमारी दे सकता है, इसलिए डिस्करेज करा जाता है कि आप मरकरी थर्मोमीटर यूज नहीं करें। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर से वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, मगर यहाँ पे जैसा हमने देखा है बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, और जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं वो भी काफी अच्छा काम करते हैं, तो इसीलिए अगर आप मार्केट में जा ही रहे हैं और आपके घर में बच्चे नहीं हैं ज्यादा, तो आप मरकरी ले लें, लेकिन अगर बच्चे हैं, चांस है कि टूट सकता है थर्मोमीटर, तो आप डिजिटल थर्मोमीटर ले लें। डिजिटल थर्मोमीटर हो चाहे मरकरी हो, सब में ही कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाते हैं, 2 फॉर्म में, या तो सेल्सियस लिखा होगा या फ़ारेनहाइट लिखा होगा। जनरली आजकल सबको 99, 98 ये सब नंबर ज्यादा मेरे को, मैं सुनता हूँ, ज्यादा लोग याद भी रखते हैं। जब आप 99 के रेंज में बात कर रहे होते हैं, जनरली आप फ़ारेनहाइट का ही बात कर रहे होते हैं, सेल्सियस का बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर सेल्सियस में अराउंड 37, 38 ऐसे कुछ रहता है, 36, 37, 38, तो हम फ़ारेनहाइट की ही बात करेंगे, सेल्सियस की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले कि कैसे यूज करना है थर्मोमीटर को ले, ध्यान रखें कि आपको थर्मोमीटर यूज करने से पहले आपने कोई गर्म या ठंडी चीज नहीं पी है या खाई है, आराम से बैठ जाएं, थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे लगाएं और मुंह को सील कर लें। बेहतर होगा कि आप अपने थर्मोमीटर को मुंह वाला टेम्परेचर ही लें, बगल वाला टेम्परेचर ना लें, क्योंकि बगल वाला टेम्परेचर कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है और ओरल वाली रीडिंग से कम ही होता है। जनरली जब आप किसी को कॉल करते हैं डॉक्टर को, और वो आपसे पूछता है आपका टेम्परेचर क्या है, तो वो ये मान के चलता है कि आप अपने मुंह का टेम्परेचर ही बता रहे हैं, और कई बार आप नहीं बताते हैं कि आपने कहाँ का टेम्परेचर लिया है। तो ये हुआ तरीका कैसे रखना है। जनरली डिजिटल थर्मोमीटर में बीप आने लग जाती है कुछ टाइम बाद, तो आप निकाल लीजिए, रीडिंग देख लीजिए, और कई बार आप सिर्फ 1 मिनट काउंट कर लीजिए और निकाल लीजिए और आप रीडिंग देख लीजिए। अब हम इस बात पे आते हैं कि कब आपको डिसाइड करना है कि आपको थर्मोमीटर का यूज करना है। जनरली अगर आपको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, तो थर्मोमीटर का यूज करें, लेकिन जो लोगों की एज ज्यादा होती है, 60 60 के ऊपर जो लोग चले जाते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, इन लोगों में कई बार क्या होता है कि वो बता नहीं पाते कि हमें गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, यानी कि फीवर का एहसास उनको नहीं होता है, वो कुछ अजीब चीजें बताते हैं, जैसे कि मुझे थकान हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही। ऐसे लोग, आपके दादा, आपके दादी, ऐसे लोगों में आप टेम्परेचर जरूर देखें, ऐसे लोगों में ऑक्सीमीटर के जरिए पल्स रेट देखें, SpO2 देखें, और जो भी चीजें देख सकते हैं देखें, लेकिन इन पेशेंट्स में वेट नहीं करें कि वो बताएं कि हमें गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है। अब किस वैल्यू को हम इम्पोर्टेंट मानेंगे, तो मोटा मोटा ये याद रखिए कि
कि सुबह के टाइम पे अगर आपका टेम्परेचर 99.6 से ज्यादा है, शाम के टाइम पे अगर आपका टेम्परेचर 99.9 से ज्यादा है, अगर आपका सुबह इन दो सुबह 99.6 से ज्यादा और रात 99.9 से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको फीवर है और आप अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करें। तो जैसे आपने बताया कि सुबह के समय 99.6 से ज्यादा हो तब आपको फीवर है, और शाम के समय रात्रि के समय 99.9 हो, उससे ज्यादा हो तो आपको फीवर हो है, और आपको फिर फीवर के हिसाब से उसका इलाज करना है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एक गाइडलाइंस थी, जो एक सूचना थी, उसमें लिखा था कि हमने इसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, यानी दिन में उसको कहीं पे लिखना है कि हमारा फीवर कब हुआ, कितना हुआ, उसके अलावा हमें बाकी चीजों को भी मॉनिटर करते रहना है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमें मॉनिटर करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी बारी दिन में उसको करना चाहिए? जहां तक बात रही यंग लोगों की, जिन लोगों को और कोई बीमारी नहीं है, जिन लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को अपना टेम्परेचर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, आप बीमार हैं, तो बिल्कुल बेशक आप दिन में 4 बार टेम्परेचर मॉनिटर कर लीजिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं और वो लोग कुछ नई कंप्लेंस कर रहे हैं कि मुझे बॉडी में दर्द रहता है, भूख कम लगती है, तो ऐसे लोगों में आप जरूर टेम्परेचर देखें। ऐसी कोई डेफिनेट साइंस ने नहीं हमें बताया है कि हमें कितनी बार टेम्परेचर देखना चाहिए, लेकिन 4 बार देखना मैं समझूंगा कि ठीक है दिन में। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इसके अलावा हमने आपने बहुत अच्छे से हम सब दर्शकों को बताया थर्मामीटर के बारे में। अगला हमारा सवाल है कि मास्क का सही प्रयोग कैसे करना है, मास्क क्यों जरूरी है, मास्क कितने तरह के मास्क हैं, थोड़ा सा प्लीज मास्क के बारे में आप सब दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, फिलहाल मार्केट में तकरीबन 3 या 4 तरीके के मास्क अवेलेबल हैं। एक है कपड़े वाला मास्क जो कि लोग घरों में भी बना रहे हैं, एक है सर्जिकल मास्क जो आपने देखा होगा डॉक्टर्स पहनते हैं, ब्लू या हरे रंग का जो पहनते हैं, और फिर है हमारा N95 मास्क। N95 मास्क भी मार्केट में 2 तरीके का अवेलेबल है, एक जिसमें फिल्टर है और एक जिसमें फिल्टर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये एक N95 मास्क है जिसमें कोई फिल्टर नहीं है, ठीक है। फिल्टर वाला मास्क पॉल्यूशन मास्क होता है, वो COVID-19 में हमें नहीं पहनना है। फिल्टर या वैल्व उसमें होती है, जिसका मतलब ये है कि जो वायरस है वो अंदर तो नहीं आ सकता लेकिन बाहर निकल सकता है, हवा अंदर तो नहीं आती उस वैल्व से लेकिन बाहर जाती है। यानी कि अगर आपको कोविड है और आप उस मास्क को पहन के जा रहे हैं तो आपको तो वायरस और नहीं आएगा लेकिन आप फैलाते जाएंगे, तो फिल्टर वाला मास्क तो नहीं यूज करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सबसे बेस्ट मास्क इस समय N95 मास्क है, लेकिन क्योंकि अभी भी महामारी छाई हुई है, सब जगह पे इक्विपमेंट्स और चीजों की कमी है, इसीलिए कोशिश करना है कि N95 मास्क डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंटलाइन वर्कर्स ये लोग यूज कर सके, और इसके मद्देनजर आप कपड़े वाला मास्क या सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि वो वाले मास्क इससे कम बेहतर काम करते हैं, तो उसमें आप लेयर्स बना सकते हैं, यानी कि आपने कपड़े वाले मास्क के ऊपर एक और कपड़े वाला मास्क पहन लिया, या कपड़े की लेयर्स बना ली आपने, या सर्जिकल मास्क आपने 1 या 2 पहन लिए, तो इससे आप बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मास्क में, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, चाहे N95 हो, चाहे सर्जिकल मास्क हो, वो है कि आपको ये एरिया बिल्कुल इनक्लोज करना है, ये एरिया आपका बिल्कुल क्लिप्ड होना चाहिए, यानी कि आपने जब मास्क पहना तो आपने इस एरिया को ऐसे क्लिप कर लिया। जनरली मैंने देखा है कि लोग मास्क पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, काफी लोग पहनते हैं मास्क, चाहे बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, लेकिन यहाँ पे क्लिप नहीं करते, तो उस मास्क का कोई यूटिलिटी नहीं है। आप समझिए इस बात को कि अगर आपने वो मास्क पहन भी लिया तो उससे ना तो आप अपने आप को बचा रहे हैं ना किसी और को बचा रहे हैं, तो बेहतर है कि मास्क अगर पहन ही रहे हैं तो सही से पहने। अगर आपको घुटन हो रही है, थोड़ी देर के लिए किसी एकांत जगह पे चले जाएं, मास्क को निकाल दें, आराम से सांस लें, अपना खाना पीना करें और फिर वापस आ जाएं, लेकिन और लोगों के बीच क्लिप करके रखें बिल्कुल नाक पे। ठीक है बिल्कुल सही। तो जैसा आपने मास्क बताया, और क्या दर्शकों को आशुतोष डॉक्टर साहब आप ये भी बता सकेंगे कि मास्क को हमेशा पहनना कितना जरूरी है, स्पेशली अगर हम बाहर जाएं तो मास्क को
मास्क एक ऐसा राम बाण है, उसके बारे में आप दर्शकों को एक बार फिर दोहराइए। बिल्कुल, इस वक्त कुछ ही चीजें हैं जो कि डेफिनेट प्रूफ करा है कि ये काम करती हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर रहना जितना हो सके, मास्क उसमें से एक ऐसी चीज है जो कि लिटरली आपकी लाइफ बचा सकता है, आपके आसपास लोगों की लाइफ बचा सकता है। तो जब 100 रुपए में वो काम हो सकता है, तो हॉस्पिटल में लाख रुपए क्यों खर्च करने आए। ठीक है, बिल्कुल, जैसे 100 रुपए में जो काम हो सकता है वो लाख रुपए में क्यों करना है, जैसा कि उन्होंने बताया, जीवन रक्षक है मास्क। तो आप सबको ये अनुरोध है हमारा कि आप मास्क जरूर पहने। उसके अलावा हम अगले फिर जाते हैं। अगला हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो है हैंड हाइजीन, यानी कि अपने हाथों को एकदम साफ सुथरा रखना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना। तो बताएं हमें हैंड हाइजीन के बारे में और सैनिटाइजर के प्रयोग के बारे में। देखिए, वायरस मेनली एक ही जगह से आता है, वो है आपके अंदर से, यानी कि आपको किसी ने दिया, उसके जो उसने छींका आपके सामने, खांसी करी या सिर्फ बात करी बिना मास्क पहन के, तो भी वायरस हवा में चल के आपके नाक के जरिए, आपके मुंह के जरिए आपके अंदर आ जाएगा और आपके लंग्स में चला जाएगा। तो वो हमें मास्क से बचाना ही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम अपना मुंह छूते हैं, बहुत ऑब्वियस बात है, जब हम अपना काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपना मुंह छूते हैं और फिर उस मुंह को छू के कहीं और रखते हैं अपने हाथ को, तो वायरस यहां से आपने किसी सरफेस पे रखा और उसी टाइम अगर किसी ने वहां पे हाथ रखा तो उसने वापस उठा लिया वायरस, और उसने जब अपने मुंह पे रखा तो वापस ट्रांसमिट कर लिया। अगर इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस काफी ज्यादा है, घंटों है, तब तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हमारी स्टडी कहती है कि सरफेसेस यानी कि आपकी घड़ी, आपकी सामान से वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है अगर कुछ घंटे बीत गए हैं। मगर अगर आप बैठे हुए हैं किसी के साथ और आपने कहीं छुआ और फिर अपना मुंह छुआ, तो बहुत चांसेस कि आप वायरस ट्रांसमिट कर देंगे। इसीलिए हैंड हाइजीन जरूरी है। हाथ धोने के दो तरीके अवेलेबल हैं, एक है सोप, साबुन, और दूसरा है जो सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं। सैनिटाइजर्स काफी सारे तरीके के अवेलेबल हैं, कुछ जेली फॉर्म्स में हैं, कुछ स्प्रे करते हैं, कुछ लिक्विड निकलता है और फिर आप उसे रब करते हैं, सब सेम ही है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कौन सा करना है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके हाथ दिखने में गंदे लग रहे हैं या फिर आपको खाना खाने जाना है, तो बेहतर है कि आप साबुन का इस्तेमाल करें, उस सिचुएशन में सैनिटाइजर मत यूज कीजिए। अगर आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, बस से बाहर निकल रहे हैं, आप बिल्डिंग में जा रहे हैं, उस समय आप सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो मोटा मोटा यही है, आप कोशिश करें कि सैनिटाइजर यूज करें, हाथ धोएं और अब कम से कम अपने हाथ को अपने मुंह के पास लें। ठीक है, तो जैसे आपने बताया साबुन और पानी एक है, सैनिटाइजर का प्रयोग दूसरा है, और दोनों आप कह रहे हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में मिट्टी लगी है, मैल लगी है, तो उस समय सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें, बल्कि उस समय अपने हाथ धोएं, और अगर आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं फिर आप उसको सैनिटाइज करें। तो दूसरा हमारा इसके बारे में लिंक एक सवाल है कि हमें डॉक्टर आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं स्टीम करें, तो ये जो स्टीम है ये कैसे करनी चाहिए? अभी हम आपको जैसे ये इक्विपमेंट भी हमने दिखाया है, तो इस इक्विपमेंट के बारे में भी जो मार्केट में अवेलेबल है इसके बारे में आप सबको बताएं कि इसको कैसे इसका प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितनी बार दिन में प्रयोग करना है, और इसको मतलब कितना दूरी में रख के प्रयोग करना है, ये सब आप हमारे दर्शकों को बताएं स्कीम के बारे में, यानी भाप के बारे में। बिल्कुल, देखिए, भाप का इस्तेमाल हम कोविड के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम भाप इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि आपको कोविड है। भाप हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर जो बलगम जमक जम गया है वो निकल नहीं पा रहा है किसी वजह से, सिर्फ इसका रीजन ये है। भाप में भी गर्मी के लिए नहीं दे रहे, उसमें जो मॉइस्चर होता है भाप में उसके लिए दे रहे हैं। होता क्या है कि आपकी जो सांस लेने की नली है, पूरा नाक से लेकर मुंह से लेकर आपके गले में जो पूरी सांस की आपकी नली है, उसमें ऐसे कुछ झाड़ू लगी होती है पूरे पूरे के नीचे से लेकर ऊपर तक, इसको सीलिया बोलते हैं। जबकि जिसको सीलिया बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको सीलिया बोलते हैं, वो सीलिया हमेशा कोशिश करती रहती है कि जितनी भी बलगम हो, गंदगी हो, वो हमेशा बाहर निकालती रहती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करके आप खांसी में या फिर छींक के निकाल देते हैं उसको। ये आपका नेचुरल मैकेनिज्म है। इस नेचुरल मैकेनिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है मॉइस्चर। वो सिलिया तभी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जब यहाँ पे मॉइस्चर बना रहे। अब इस बीमारी में क्योंकि आपका ये रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है,
तो इसलिए वो सिलिया अच्छा काम नहीं कर रहे होते, ये एरिया में जो मॉइस्चर बनना चाहिए वो भी अच्छा नहीं बन रहा होता है। तो अगर आपने वो मॉइस्चर कहीं बाहर से ले लिया स्टीम के फॉर्म में, तो वो आपको मदद कर सकता है। अब स्टीम या भाप लेने के काफी सारे तरीके अवेलेबल हैं घर में। आप अपने भगोने पे, भगोने के अंदर पानी गर्म कर सकते हैं, या फिर जो मशीन जैसे कि आपको अभी दिखाई राजा ने वो यूज कर सकते हैं। इस मशीन में भी दो तरीके के डिवाइसेस अटैच हो जाते हैं, जैसे कि उसके दाएं हाथ में जो है उसको नोजल कह सकते हैं, और जो बाएं हाथ में है वो बोल कह सकते हैं। दोनों में ये फर्क है कि जो बोल है वो पानी काफी बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नोजल है उसमें एक, बिल्कुल ये बड़े एरिया में पानी आएगा, और जो नोजल है वो एक तेज धार निकालेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो भाप होती है गर्म होती है, तो ये आपका फायदा तो कर रही है, आपके सिलिया को अच्छा काम करा रही है जो बलगम बाहर निकाल रही है, लेकिन साथ ही साथ गर्मी जो है वो जलाती भी है, वो अंदर आपका जो सांस नली की नली है उसको डैमेज भी कर सकती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप बोल यूज करें, बड़ा वाला भगोना यूज करें स्टीम लेने के लिए, ना कि नोजल वाला। और इसको भी तब इतना ही लें जितना जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका बलगम 4 बार दिन में 4 बार करने से निकलता है, तो 4 बार कीजिए, 2 बार करने से आपको आराम मिलता है 2 बार कीजिए। ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि सबको बैठ के जिसको बलगम ना भी आ रहा हो उसको भी लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका कोविड पॉजिटिव आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टीम लेना है। हमेशा समझिए कि कोई भी मेडिकल थेरेपी, ये भी एक मेडिकल थेरेपी ही है, तभी कारगर होती है जब उसकी यूटिलिटी हो, जब उसकी जरूरत हो। अगर जरूरत नहीं है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 100% कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा, आज नहीं तो बाद में, लेकिन होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये वाला हमें नोजल जो है नहीं इसका इस्तेमाल करना। देखिए, काफी जो स्टीमर मार्केट में अवेलेबल है, बाजार में अवेलेबल है, बाजार में उपलब्ध है, उसमें केवल ये लगा मिलता है। हमने ये वाला नहीं इस्तेमाल करना। हमने जो बाउल वाला है उसको इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमारा पूरा इसमें मुंह, मतलब पूरा ज्यादा हमारा एरिया जा सके, ताकि कोई एकदम कोई धारा ना आए। जो धारा आएगी वो हमारे को गर्मी देगी, और गर्मी हमारे यहाँ के जो नाक के अंदर के जो सारे सेल हैं उनको मार देगी। तो जैसा कि आपने बताया, हम ऐसा सब दर्शकों को अनुरोध करेंगे कि जैसा डॉक्टर ने बताया आप वैसा ही करें। उसके अलावा डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस थी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सूचना दी थी, उसके अलावा जो काफी अब राज्य देश के, जैसे उत्तराखंड ले लीजिए, उसके अलावा गोवा ने बोला था, और भी कई राज्य हैं जो बोल रहे हैं कि हम प्रोफाइलेक्सिस देंगे, यानी कि ऐसी दवाइयां देंगे जो प्रिवेंशन करती हो, यानी कि जो बीमारी होने से रोकती हो। तो आपको लगता है ऐसी दवाइयां, जिसका मैं नाम भी आपको बता दूं, आइवरमेक्टिन, बहुत ज्यादा लोग आइवरमेक्टिन के बारे में बात कर रहे हैं, आइवरमेक्टिन ले लें, आइवरमेक्टिन ले लें। उसके अलावा एक और जो दवाई है प्रोफाइलेक्सिस, जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और आइवरमेक्टिन, क्या हमें इनका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डॉक्टर साहब, आप सब दर्शकों को बताएं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवाई है वो उसकी एक मिलती जुलती दवाई है क्लोरोक्वीन, जो कि मलेरिया में इस्तेमाल होती थी और अब कम इस्तेमाल होती है, लेकिन अभी भी होती है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है वो अब ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब बीमारियों में इस्तेमाल होती है, और इनका रोल अभी भी वही है। शुरू में कुछ स्टडीज हुई थी जिन्होंने बताया कि ये काम कर सकती है, लेकिन कोई भी स्टडी ऐसी नहीं हुई जिसमें कि इंसानों पर टेस्ट करा जाए और ये देखा जाए कि इन पे काम करी है या नहीं। जो स्टडी इंसानों में हुई है वो सारी की सारी असफल रही है। किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि ये काम करती है। जिन स्टडीज में ये बताया गया कि ये काम कर सकती है, वो लेबोरेटरी में करी गई है सारी स्टडीज। तो हमारे पास वाकई में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, जब हमारे पास जिन लोगों को हमने दिया है उनको फायदा नहीं हुआ है, जब हमारे पास हमें पता है कि ये साइड इफेक्ट्स करती हैं, तो ऐसी दवाइयां लेने का कोई मीनिंग नहीं बनता। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि CDC जो कि अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे WHO है जो कि पूरी दुनिया का हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सब ने ये कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हमारी मिनिस्ट्री या स्टेट्स इस दवाई को आगे प्रचार कर रहे हैं कि वो ले,
तो वो शायद इस बात पे बेस कर रहे हैं कि हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, तो हम वो यूज कर लें कि जो अवेलेबल है। बट एज अ डॉक्टर मैं अपने ओपिनियन ही दे सकता हूँ, और मेरा ओपिनियन ये है कि आप इन दवाइयों को नहीं लें, किसी भी सिचुएशन में नहीं लें, चाहे वो प्रिवेंशन के फॉर्म में हो, चाहे आपको अभी कोविड नहीं हुआ है और आप अभी सोच रहे हैं, या आपको कोविड हो गया है, अगर हो भी गया है और सिवियर भी हो गया है, इन किसी भी स्टेज में इस दवाई का कोई रोल नहीं है। दूसरी दवाई पर हम आ जाते हैं जिसका नाम है आइवरमेक्टिन, जिसका डेटा बिल्कुल वही है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का डेटा है। ये दवाई बेसिकली कीड़े मारने के लिए यूज करी जाती है इंसानों में, मतलब इस दवाई को यूज करा जाता है, इंसानों में ही यूज कराया जाता है, लेकिन वो कीड़े मारने के लिए। दो बातें सामने आई जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से बिल्कुल सिमिलर हैं, कि ये भी, इसकी जितनी भी स्टडीज हुई सक्सेसफुल, वो सब लेबोरेटरी में हुई हैं, तो हमें नहीं पता कि इंसानों पे क्या काम करती है। जो इंसानों पे हुई उसके रिजल्ट ने ये बताया कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये काम करती है या नहीं करती है। तीसरी चीज, हमें पता है कि ये आपके लिवर को नुकसान करती है। जब हमें पता है कि ये दवाई कहीं पे भी कारगर नहीं हो रही और साइड इफेक्ट्स दे सकती है, तो ऐसी दवाई यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, ये भी बताया गया है कि अगर हमें कोविड में यूज करना भी है, तो हमें कीड़े मारने वाली की जो डोज होती है उससे कम से कम 100 गुना देना पड़ेगा इस दवाई को, तब जाके वो शायद कुछ काम कर सकती है। उस डोज में हो सकता है कि आप अपने लिवर को खराब कर दें, तो बेहतर होगा कि इन दवाइयों से दूर रहें, इन दवाइयों का प्रयोग ना करें। और ये मेरी सलाह होगी, बाकी मिनिस्ट्री क्या कहती है उस पर मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल, अब जैसे आपने बोला कि इन दवाइयों को लेके हमारे को लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके अलावा कई और दवाइयां हैं जैसे कि एंटीबायोटिक। आपको छोटा सा सवाल होगा, जैसे अजिथ्रोमाइसिन का बहुत चलन चला था, बहुत सारे डॉक्टर्स अजिथ्रोमाइसिन दे रहे थे कोविड पेशेंट्स को, तो क्या ऐसी अजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाइयां देने हमारे लिए जरूरी है? आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस एक अलग कीटाणु होता है, बैक्टीरिया बिल्कुल टोटली डिफरेंट कीटाणु होता है। एंटीबायोटिक कभी भी किसी भी वायरस पे काम नहीं करते। एजिथ्रोमाइसिन जहां तक ये दवाई है, ये सिर्फ कोविड में ही नहीं, ये सालों से इसका दुरुपयोग होता चला आया है। कॉमन कोल्ड जो कि सर्दियों में काफी लोगों को हो जाता है, ये काफी टाइम से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अभी सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको कोविड है तो वो कोई रीजन नहीं है एजिथ्रोमाइसिन देने का। लेकिन जब किसी को कोविड होता है या किसी को कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है यहाँ पे आपके गुर्दों में, तो चांस होता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तब्दीली हो सकती है। उसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि बेहतर होगा कि आप क्या वो डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें कि आपके किन सिम्टम्स के बेसिस पे आपको एजिथ्रोमाइसिन देनी चाहिए। यानी कि अपने आप अगर आपको कोविड हो रहा है, चाहे आपको खांसी हो रही है, चाहे आपको फीवर आ रहा है, वो कोई रीजन नहीं है एजिथ्रोमाइसिन लेने का। आपको जब भी प्रॉब्लम हो रही है आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, हो सकता है आपका कुछ ब्लड टेस्ट होगा, हो सकता है आपका एक्सरे करा जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आपको एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत है या नहीं। तो जैसा कि आपने बोला कि एजिथ्रोमाइसिन जो है एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया के लिए ये सफल है, बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्शन हो तब ली जाती है। लेकिन आपने ये भी बताया कि जब वायरस इन्फेक्शन होता है तो जो बैक्टीरिया घात लगा के बैठा होता है वो आपके लंग्स को और आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, तो वो घात लगाए जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक ले सकते हैं, वो भी अगर आपके डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सब प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि जो आप एक एक और चीज, बिल्कुल बिल्कुल, आपने नोटिस करा होगा जब आप दवाई लेने जाते हैं, ये ब्लिस्टर पैक्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उस कई दवाइयों पे एक रेड लाइन बनी होती है, पीछे एक रेड लाइन ऐसे बनी होती है, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि रेड लाइन का मतलब होता है कि दिस मेडिकेशन कैन ओनली बी गिवन ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन। ये दवाई जैसे इसमें लिखा है शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल एच ड्रग लिखा है। राइट, शेड्यूल एच का भी यही मतलब होता है, लेकिन अब कई कई मेडिकेशंस में एक रेड लाइन बनी होती है जिसके बाजू में लिखा भी होता है कि आप ये दवाई तभी ले सकते हैं जब आपके सामने प्रिस्क्रिप्शन है। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन का आप बात समझिएगा कि प्रिस्क्रिप्शन का यूज क्यों है। इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप किसी को कॉन्टैक्ट करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत आसान होता है लोगों के लिए कहना कि आप ये दवाई खा लीजिए, आप वो दवाई खा लीजिए, और कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं।
जब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कॉन्टैक्ट कीजिए और एक प्रिस्क्रिप्शन जरूर लीजिए जिसमें लिखा हो कि आपको क्या बीमारी है, आपका नाम सब कुछ, और साइन हो डॉक्टर का। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि कब दवाई खानी है, कौन सी दवाई खानी है, दवाई किससे पूछ के खानी है, प्रिस्क्रिप्शन लेके ही खानी है, और जो सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रिवेंशन के लिए, यानी कि आपको बीमारी ना हो इसके लिए है, वो दवाइयाँ आप तभी खाएं अगर आपको डॉक्टर ही कहे। और ज्यादा 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 इस बात का ये है कि ऐसी दवाइयाँ ना खाएं तो आपके लिए बेहतर है, स्पेशली जो आइवरमेक्टिन है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। तो डॉक्टर आशुतोष, आज आपने बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया है, पल्स ऑक्सीमीटर के प्रयोग के बारे में, थर्मामीटर के बारे में, मास्क के प्रयोग के बारे में, हैंड हाइजीन यानी हाथों को साफ सुथरा रखने के बारे में, सैनिटाइजर के बारे में, स्टीम लेने के बारे में, और सबसे जरूरी जो आपने बताया है कि कौन सी दवाइयाँ हमने नहीं खानी। तो हमें लगता है जरूर हमारे सब दर्शक इस बारे से बहुत ज्यादा, उनको इस ये सूचना उनके लिए महत्वपूर्ण होगी और वो इस सूचना का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष गर्ग। डॉक्टर आशुतोष गर्ग, आपसे अनुरोध है कि आप सब दर्शकों को बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमने खास लोगों के कहने पर ये वीडियो जो पहले इंग्लिश में अवेलेबल था उसको हिंदी में बनाया है ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। जी, इस चैनल का नाम है आर्किटेक्ट राजा सिंह। आर्किटेक्ट राजा सिंह अभी अपनी पीएचडी कर रहे हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली से। इससे पहले वो अपनी बीआर कर चुके हैं और फिलहाल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं COVID-19 इन्फॉर्मेशन लोगों पे देख बांट के। अगर आप इनके चैनल पे जाएंगे जो कि यूट्यूब पर है, तो उस चैनल पे आपको इस इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो के अलावा और भी वीडियोस मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इन्होंने डाला है जो कि कैसे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको COVID-19 के टाइम पे किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को बारे में सतर्क रहना है, और आपकी मनोस्थिति अगर बिगड़ रही है इस समय तो आप क्या कर सकते हैं। साथ ही अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें, पूरे देश विदेश में क्या चल रहा है, कैसे हम इस इन्फेक्शन को जल्दी जल्दी रोक सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो है। तो जरूर प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, एक एक शेयर करेंगे तो दो वो आगे शेयर करेगा एंड लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।